देखिए अब ऐसे ही मैं इसको कट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, जूसी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है टोर्टिला सैंडविच। आइए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। बहुत ही सिंपल, इजी एंड टेस्टी टोर्टिला रैप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही इजी है और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। टोर्टिला रैप है, मैंने टोर्टिला रैप लिए हैं और शामी, थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, और अपनी मर्ज़ी से आप इसमें कोई भी सब्ज़ी लगा सकते हैं। मैंने कैबेज ली है, क्यूकम्बर ली है और साथ में टमाटर लिया है। और ये इंस्टेंट बनने वाले सैंडविच है। सबसे पहले हम इसमें गार्लिक मायो लगाएंगे, उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा केचप लगाएंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, थोड़ा सा चिली सॉस और एक शामी। इसको मैं ऐसे करके अच्छे से आपने ऐसे कर लेना। फिर एक साइड पे आप टमाटर रखेंगे, इसी ऊपर टमाटर रख लेते हैं, थोड़ा टमाटर, कैबेज, साथ में कुकम्बर। मैंने फातिमा को दूसरे तरीके का बोला था, इसने कुकम्बर का क्या छोड़ा, काट दो, तो बीच में से तब वैसा ही समझ आ रहा था, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं बोला था। इसके ऊपर हम डालेंगे चीज, रोटी थोड़ी काटी आपने। चल पकड़ो। अब हम इन सब को ग्रिल कर लेंगे बिल्कुल स्लो आंच पे। हम एक सैंडविच बना लेते हैं ब्रेड से। मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, उसके ऊपर ऐसे क्रीम चीज बहुत पसंद है इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। साथ ही हम इस पे भी शाम में फैला देंगे अच्छे से। आप कुछ भी ले सकते हैं, और मतलब आप चिकन है तो वो ले लें, आप ये नगर्स के साथ भी बना सकते हैं। इनको हमने बहुत ही हल्की आंच पे ग्रिल करना है, बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे। देखें जी, अगेन हमारा शामी अच्छे से लग गया। शामी के ऊपर केचप, केचप के साथ चिली सॉस, ज़्यादा स्पाइसी खाने वालों के लिए। इसमें हम एक कम्बल लगा लेते हैं, साथ ही हम कैबेज, साथ हम टमाटर, और ये जो बची कुची चीज़ है ये हम इसके ऊपर लगा देते हैं। इसको अच्छे से प्रेस करके ये देखिए जी, हमारे रैप हो रहे हैं। साथ ही हम ये ब्रेड कर लेंगे ग्रिल। ये देखें जी,
ये देखें जी, हमारे रैप अच्छे से तैयार हो गए। अब मैं इनको उतार लेती हूँ। इसको हमने अच्छे से टोस्ट करने, देखें ब्राउन हो गई है। अब ऐसे ही हम दोनों साइडों से कर लेंगे, देखें इधर से भी हो गई है। अब मैं इसको उतार लेती हूँ, इसको कट करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।